तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी तू झूठी मैं मक्कार को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मूवी की शुरुआत में हम मिक्की नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पेशे से प्रेम में फंसे प्रेमी जोड़ों को अलग करवाने का काम करता था। अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ खुश नहीं है और उसे अलग होना चाहता है तो मिक्की ऐसे ही प्रेमी प्रेमिकाओं से पैसे लेकर उन्हें अलग करने का काम करता था। मिक्की अपने काम में माहिर था और वो ऐसी सिचुएशंस पैदा करता था कि सामने वाला ही छोड़कर चला जाए और जिसे छोड़ना है वो बुरा भी ना बने। आज के जमाने में जहाँ लोग अक्सर एक दूसरे से बोर हो जाते हैं या साथ नहीं रहना चाहते, उस जमाने में मिक्की का ये बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चल रहा था और इसमें उसका साथ देता था उसका जिगरी यार मन्नू। मन्नू की किंची नाम की लड़की से जल्द ही शादी होने वाली थी, पर मन्नू को ये शादी करनी नहीं थी क्योंकि किंची मन्नू से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। इतना प्यार कि उसके बैचलर पार्टी में भी वो आ रही थी। मन्नू और किंची की लव मैरिज हो रही थी और बड़ी मेहनत से मन्नू ने किंची के परिवार वालों को शादी के लिए मनाया था, पर अब मन्नू से इतना ज्यादा प्यार हैंडल नहीं हो रहा था और उसे डर था कि वो ये शादी निभा नहीं पाएगा क्योंकि किंची हर वक्त हर समय उसके आगे पीछे लगी रहती थी जो कि उसे नहीं चाहिए था। इसीलिए वो अपने परम मित्र मिक्की को अपना रिश्ता तोड़ने का काम दे देता है। मिक्की उसे समझाने की कोशिश करता है कि किंची उसके लिए एकदम सही लड़की है, पर मन्नू उसकी एक नहीं सुनता और किंची से अलग होने की धुन मचाए जा रहा होता है। तो मिक्की किंची से बातचीत करते हुए मन्नू की खूब बुराई करता है ताकि वो खुद ही इस रिश्ते को तोड़ दे, लेकिन किंची मन्नू को इतना प्यार करती थी कि वो बुराई में भी अपनी अच्छाई ढूंढ लेती है और मिक्की का ये वाला प्लान फेल हो जाता है। मिक्की उन सभी लोगों से पहले कसम खिलवाता था जो अपने साथी संगी को छोड़ना चाहते थे कि वो उसके साथ खुश नहीं है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। फिर उसके बाद ही मिक्की अपना काम आगे बढ़ाता था। अब हम देखते हैं कि बैचलर पार्टी के लिए मिक्की और मन्नू रवाना हो जाते हैं और उनके साथ किंची भी आई हुई थी और किंची के साथ उसकी एक दोस्त भी आने वाली थी, लेकिन आई नहीं, जिस बात से किंची का पांच कोने का मुंह बन जाता है और बैचलर पार्टी प्रेमिका मनाओ पार्टी में तब्दील हो जाती है। मन्नू मिक्की और किंची को एक बार मिले जाता है और वहाँ एंट्री होती है टिन्नी की, जो कि किंची की वही सहेली थी जो आई नहीं थी क्योंकि उसे ऐसे नाच गाना करके सरप्राइज देना था। किंची अपनी सहेली से मिलकर बहुत खुश होती है और उससे भी ज्यादा खुशी मिक्की के चेहरे पर नजर आ रही थी क्योंकि टिन्नी की खूबसूरती और अदाओं को देखकर मिक्की के दिल में सोया हुआ प्यार का पंछी जाग उठा था और उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने के सपने देखने लग जाता है। मिक्की ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था कि पहली नजर में प्यार तो हो जाए पर प्यार का इजहार न कर पाए, बल्कि ऐसा लड़का था कि वो टिन्नी को अपना बनाने का सोचते हुए उससे फ्लर्ट करना और प्यार भरी बातें करके उसे पटाने में लग जाता है। अब जब आपको कोई अटेंशन दे रहा हो और आपके बारे में मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हो और बात करने वाला दिखने में अच्छा भी हो तो उसकी बातें काफी अच्छी लगती है और खुद की तारीफें सुनकर मजा भी आता है, जो कि टिन्नी को भी आ रहा था। और ये मजा जल्दी खत्म न हो इसलिए वो ज्यादा भाव न देते हुए मिक्की को बस अपने पीछे पीछे घुमा रही होती है। हालांकि उसे भी मिक्की पसंद आ गया था, पर प्यार की शुरुआत में थोड़ा पीछे घूमना घुमाना तो होता ही है। अब धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत होना शुरू होते होते साथ में घूमना फिरना पार्टी करना मदिरा का सेवन और मौज मस्ती करना भी शुरू हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक दिन मदिरा के नशे में उन दोनों के बीच वो हो ही जाता है जिसके बारे में हम सभी जानते थे कि दोनों के बीच होगा जरूर। टिन्नी को लगता है कि मिक्की इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे तो यही चाहिए था जो कि उसने उसे दे दिया, पर मिक्की को तो टिन्नी से सच्चा वाला प्यार हो गया था और उसे बस सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सब कुछ चाहिए था जो कि एक रिश्ते में होता है। पर टिन्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़का जो कि घूमने आया है उसे किसी लड़की से प्यार हो जाए, वो भी सच्चा वाला, और वो टाइम पास न कर रहा हो, इसलिए वो उसे थोड़ा इग्नोर करने लग जाती है। मिक्की ताने मार मार के उसे सुनाया जा रहा होता है कि एक सुंदर अच्छा खासा कमाऊ लड़का एक लड़की के लिए इतना सीरियस है, पर लड़की को तो कोई मतलब ही नहीं है, लड़कियां मरी जा रही हैं कि उन्हें ऐसा लड़का मिल जाए, पर इसे तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने सारे ताने सुन सुनकर टिन्नी को यकीन हो जाता है कि मिक्की को सिर्फ हवस की भूख नहीं है बल्कि उसे सच में प्यार है, तो वो उसके साथ प्यार के रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से शुरू होता है एक नया अध्याय टिन्नी और मिक्की के प्यार का। मिक्की ने टिन्नी को बताया था कि उसका फैमिली बिजनेस है जिसे वो संभालता है, लेकिन उसने उसे अपने उस काम के बारे में नहीं बताया था कि वो प्रेमी जोड़ों को अलग करता है क्योंकि शायद ये जानने के बाद टिन्नी उससे पटती ही नहीं। रिश्ते में आने के बाद मिक्की अपने घर वालों को टिन्नी के बारे में बता देता है तो उसकी माँ, उसकी बहन और उनका पति और उनकी छोटी बेटी और दादी और पिताजी सभी लोग टिन्नी को सोशल मीडिया पर ढूंढकर उसे स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने
टिन्नी की बिकनी में फोटोज देखी थी, पर जब टिन्नी उनसे मिलने आती है तो सूट पहन के आती है। तो घर में सभी को लगता है कि मिक्की ने ही सूट पहनने को कहा होगा ताकि वो संस्कारी टाइप लगे। तो उसकी बहन और माता जी मिक्की को सुनाने लग जाते हैं कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, पर मिक्की ने तो कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि वो अपने मन से सूट पहनकर आई थी। अपनी प्रेम कहानी बनाने के चक्कर में मिक्की ने मन्नू का रिश्ता तुड़वाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता फिर तो उसका रिश्ता कभी टिन्नी से जुड़ता ही नहीं। तो इसीलिए अब मन्नू की किंची से शादी होने जा रही थी, जो कि वो चाहता तो नहीं था, पर अब जो हो रहा था वो तो होना ही था। अब हम देखते हैं कि शादी में टिन्नी का परिवार भी आया होता है, पर दिक्कत वाली बात ये थी कि टिन्नी ने अब तक अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया था, और ये बात मिक्की के घर वालों को नहीं पता थी। तो मिक्की की माँ टिन्नी के परिवार वालों को सब कुछ बता डालती है। घर जाकर टिन्नी के परिवार वालों के बीच काफी बातचीत चलती है कि लड़का कैसा है और लड़के के परिवार वाले कैसे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कहा सुनी होने के बाद आखिरकार सभी लोग इस रिश्ते को अपना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि टिन्नी और मिक्की के बीच तय होता है कि वो लोग रात में मूवी देखने जाएंगे। तो टिन्नी मिक्की के साथ समय बिताने का सोचकर बहुत खुश होती है, पर जब वो मिक्की से मिलती है तो देखती है कि उसके साथ पूरा परिवार आया हुआ है, तो उसका मिक्की के साथ अकेले में समय बिताने का सपना चकनाचूर हो जाता है। अब एक दिन टिन्नी रूटीन चेकअप कराने के लिए मिक्की के साथ अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा रही होती है, तो मिक्की की बहन उसे अपने डॉक्टर के पास लेके चली जाती है और मिक्की को साथ जाने नहीं देती। अब मिक्की और टिन्नी के बीच प्लान बनता है कि दोनों डिनर डेट पे जाएंगे, लेकिन मिक्की उसे घर लेकर चला जाता है क्योंकि पिताजी का खाना बना के सबको खिलाने का मूड था। फिर एक रात दोनों के बीच मूड बन जाता है तो दोनों लोग बिस्तर पर चिपका चिपकी करने लग जाते हैं, लेकिन तभी मम्मी जी गेट खटखटाते हुए कुछ काम बताकर दोनों को डिस्टर्ब कर देती है और उनके अंदर जल रही गुलू गुलू करने की आग में पानी फिर जाता है। अब घर में दोनों की शादी की बात चलने लगी थी तो सब अपना अपना बता रहे थे कि शादी ऐसी होगी वैसी होगी, ये होगा वो होगा, और टिन्नी बस सबकी सुन रही होती है और उसे कोई पूछ ही नहीं रहा था कि उसे क्या करना है। घर वालों ने तो बच्चा कब होगा और घर को बड़ा करना है ताकि वो लोग उसी में रह सकें, ये सब कुछ सोचना शुरू कर दिया था। और इतना सब कुछ सुनकर टिन्नी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हाँ हाँ करने के अलावा और क्या बोले। टिन्नी को अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगा था कि शायद शादी के बाद उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी या दूसरों के कहने पर जीना पड़ेगा, और यही सब बातें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। अब एक रात मिक्की टिन्नी से मिलने जा रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की का फोन आता है जो कि अपने प्रेमी से अलग होना चाहती थी, पर उसे उसके सामने बुरा भी नहीं बनना था, तो मिक्की उसका ब्रेकअप करवाने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी यहाँ खुलासा होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टिन्नी ही है। टिन्नी ने मिक्की से अलग होने का सोच लिया था क्योंकि जो चीजें उसने नोटिस की थी उसको देखते हुए वो मिक्की के साथ नहीं रह सकती थी, वरना उसकी जिंदगी उस परिवार में ही बंध के रह जाती। पर वो ये बोलकर मिक्की के सामने बुरा भी नहीं बनना चाहती थी कि वो परिवार तोड़ने वाली लड़की है, इसीलिए उसने ब्रेकअप करवाने के लिए एक सलाहकार को हायर किया जो कि मिक्की ही था। अब शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए दोनों के परिवार वाले मिल रहे थे तो मिक्की टिन्नी को आइडिया देता है कि वो कुंडली मिलवाने का बोलेगी, तो अगर कुंडली नहीं मिली तो शादी अपने आप वहीं टूट जाएगी। अपने सलाहकार की बात मानते हुए टिन्नी कुंडली मिलवाने का प्रस्ताव रखती है, तो पंडित जी कुंडली मिलाकर बता देते हैं कि दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं और ये रिश्ता टूटने के बजाय पूरी तरह से और भी ज्यादा जुड़ जाता है। टिन्नी छुपकर मिक्की को कॉल लगाती है और बताती है कि आपका प्लान फेल हो गया और अब हमारे 36 के 36 गुण मिलते हैं। ये बात सुनकर मिक्की को शक होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वही चीज ये लड़की क्यों बोल रही है। अपने कान के पर्दे के सामने लगे प्यार के पर्दे खोलने पर उसे समझ आता है कि ये तो टिन्नी की आवाज है, और थोड़ा और दिमाग लगाने पर उसे पता चल जाता है कि ब्रेकअप करवाने वाली लड़की टिन्नी ही है। मिक्की का पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो टिन्नी अलग क्यों होना चाहती है, और ऐसी भी क्या वजह है कि वो सीधा मुझसे न बताकर एक सलाहकार हायर कर लिया ब्रेकअप करवाने के लिए। मिक्की कंसल्टेंट बनके टिन्नी से बात करते हुए जानने की कोशिश करता है कि आखिर ब्रेकअप करने की वजह क्या है, पर टिन्नी बाकी सब कुछ बताने को तैयार थी लेकिन ब्रेकअप की वजह नहीं बताती। मिक्की सोच लेता है कि अगर इसे ब्रेकअप करना ही है तो इसे खुद आकर वजह बताते हुए मुझसे ब्रेकअप करना होगा, और अब उसे पता चलेगा कि किसी मासूम के दिल से खेलने का नतीजा क्या होता है। मिक्की टिन्नी को आइडिया देता है कि तुम अपने वाले को जलाओ और जब वो जले तो उसे ओवर प्रोटेक्टिव ओवर पजेसिव कहकर ब्रेकअप कर लेना। टिन्नी उसकी बात को मानते हुए अपने एक दोस्त को बुला लेती है और उसे अपना एक्स प्रेमी बताकर मिक्की से मिलवा देती है। टिन्नी अपने दोस्त के साथ चिपक चिपक के डांस करने लग जाती है ये सोचकर कि मिक्की को जलन होगी और वो उससे लड़ने आएगा और उस लड़ाई में वो ब्रेकअप कर लेगी। पर होता यहाँ ये है कि मिक्की कोई रिएक्शन ही नहीं देता क्योंकि प्लान तो उसका ही था, और वो मन ही मन हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस प्लान के फेल होने के बाद मिक्की एक और आइडिया देता है कि हम उसकी वफादारी चेक करेंगे और अगर उसमें फेल हुआ तो आपके पास बढ़िया मौका रहेगा ब्रेकअप करने का। टिन्नी अपनी एक सहेली को घर लाती है और मिक्की को बुलाकर कहती है कि आज के दिन वो यहीं रहेगी और मेरा तो ऑफिस है तो तुम ही इसका ख्याल रखना। टिन्नी की सहेली इधर उधर की बातें करके मिक्की से चिपका चिपकी करना शुरू कर देती है, पर मिक्की सख्त लौंडा बनकर उसके सामने बिल्कुल नहीं पिघलता, जिसके चलते टिन्नी का ये प्लान भी फेल हो जाता है।
मिक्की टिन्नी को सबक सिखाने के लिए उसके मजे तो ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि वो उससे इतना प्यार करता है पर वो उससे अलग होना चाहती है। और सबसे बुरी बात ये कि वो अलग होने की वजह भी नहीं बताना चाहती, बस अलग होना चाहती है। प्यार तो टिन्नी को भी था, लेकिन उसने जो सोच कर फैसला लिया था वो फाइनल था। इसीलिए दुखी तो वो भी थी, लेकिन अलग तो उसे होना ही था, फिर भले ही थोड़ा दुख क्यों ना झेलना पड़े। टिन्नी आखिरकार अपने सलाहकार मिक्की को बता ही देती है कि ब्रेकअप की वजह ये है कि वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता और मैं उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपना घर चाहिए, अपनी जिंदगी चाहिए, अपनी प्राइवेसी चाहिए, जो कि उस घर में तो नहीं मिल सकती। मुझे सिर्फ वो चाहिए और उसे मैं सबके साथ, तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। टिन्नी कहती है कि मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं ये नहीं चाहती कि उसे अपनी फैमिली या मेरे में से किसी एक को चुनना पड़े, और मैं अपनी जिंदगी के साथ समझौता भी नहीं कर सकती। मिक्की की आंखों में आंसू थे, पर वो तब भी अपने आप को संभालते हुए कहता है कि तुम गलत नहीं हो बल्कि सही हो, और अब तुम कसम खा के कन्फर्म करो कि तुम मिक्की से प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती। टिन्नी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कसम खाती है कि उसे अपनी जिंदगी में मिक्की नहीं चाहिए और वो उसके साथ नहीं रह सकती। अब शादी का समय आ जाता है, पर मिक्की को तो काम मिला था ब्रेकअप करवाने का, तो वो एक फेक जॉब ऑफर लेटर बनाकर टिन्नी को भेज देता है और कहता है कि ये तुम उसे भेज देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। टिन्नी ठीक ऐसा ही करती है, और थोड़ी देर बाद मिक्की एक्टिंग करते हुए गुस्से में उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बैंगलोर में नौकरी लग गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है जैसे उसे टिन्नी के नौकरी करने से दिक्कत हो, और वो ऐसा माहौल बनाता है जैसे वो पिछड़ी सोच का है और वो शादी के बाद टिन्नी को कुछ भी करने नहीं देगा। ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रहा था क्योंकि टिन्नी की यही इच्छा थी, तो वो खुद को बुरा बनाकर टिन्नी से अपना रिश्ता तोड़ लेता है। बाहर नाच गाना चल रहा था और सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन मिक्की बाहर जाकर शादी करने के लिए मना कर देता है और अब सारी खुशी गम में बदल जाती है। घर वाले मिक्की पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि जिससे तुम इतना प्यार करते हो उससे अब शादी क्यों नहीं करनी, और माँ समझ गई थी कि शादी ना करने की वजह कुछ और है, पर मिक्की किसी को कुछ नहीं बताता। मिक्की सलाहकार बनके एकदम खुशी से टिन्नी को कॉल करता है और कहता है कि अब आपका काम तो हो ही गया है, तो बाकी बची हुई पेमेंट आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। मिक्की अलग ही गम में डूब जाता है क्योंकि जो उसने किया था उसके लिए वो करना आसान नहीं था, और वहीं टिन्नी भी दुखी थी क्योंकि अलग तो उसे भी नहीं होना था पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हो गई। कई दिन बीत जाते हैं पर इन दोनों की जिंदगी में दुख ही दुख नजर आ रहा होता है, लेकिन मन्नू और किंची की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं क्योंकि उनके यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला था। मन्नू जो कि किंची से शादी भी नहीं करना चाहता था, अब उसका बच्चा होने वाला था और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे, पर बात यही है कि उनके बीच तू तू मैं मैं ज्यादा होती थी, पर जो भी था उनकी शादी अभी तक तो फिलहाल टिकी हुई थी। बच्चे की आने की खुशी में गोद भराई का फंक्शन रखा जाता है जिसमें कि सभी लोग आने वाले थे। टिन्नी किंची की दोस्त थी और मिक्की मन्नू का दोस्त था, तो उस फंक्शन में उन दोनों की मुलाकात होना तो कन्फर्म था। इसीलिए किंची टिन्नी को और मन्नू मिक्की को समझाते हैं कि जब दोनों लोग मिलो तो कोई भी सीन क्रिएट मत करना बल्कि आराम से ही रहना। अब टिन्नी और मिक्की दोनों लोग दोबारा मिलते हैं और माहौल को सामान्य बनाए रखने के लिए दोनों लोग एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत करना शुरू कर देते हैं। टिन्नी बताती है कि वो दो दिन बाद लंदन जा रही है क्योंकि वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, तो इस बात से मिक्की थोड़ा उदास हो जाता है कि अब वो उसे देख भी नहीं पाएगा। फंक्शन में नाचते गाते मौज मस्ती करते दो दिन बीत जाते हैं, तो मन्नू मिक्की से कहता है कि टिन्नी जाने वाली है तो उससे पहले तुम उसे सच बता दो कि तुम ही उसके सलाहकार थे, पर मिक्की कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब एक रात मिक्की की बहन की बेटी स्वीटू टिन्नी के बगल में लेटी होती है और कहती है कि मैंने तो आपको अपनी मामी मान लिया था पर आप दोनों अलग ही हो गए। उससे बातचीत करते हुए यहाँ टिन्नी के सामने खुलासा हो जाता है कि मिक्की ही वो इंसान है जो उसका कंसल्टेंट था और उसी ने उसका ब्रेकअप करवाया। अगले दिन लंदन जाने से पहले वो मिक्की को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कसम खाओ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। इस तरह से कसम मिक्की ही खिलवाता था, तो अब उसे भी पता चल जाता है कि टिन्नी को सब कुछ पता चल चुका है। टिन्नी पहले तो उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर कहती है कि उसने उसको धोखा दिया, उसे बेवकूफ बनाया। मिक्की कहता है कि तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम मुझसे बात कर लो, तुम बस मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही वो भी बिना बताए ताकि तुम बुरी ना बनो। टिन्नी कहती है कि जब तुम्हें पता चल चुका था कि मैं हूँ तो तुमने मुझसे आकर बात क्यों नहीं की और क्यों नहीं पूछा कि क्यों छोड़ के जा रही हो, और मुझे बिना बुरा बने नहीं बिना बताए जाना था, बिना ये फील किए कि मैं गलत लड़की हूँ, मैं घर तोड़वाती हूँ, बिना ये फील किए जाना था कि तुमने मुझे नहीं चुना। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े, मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ो, इसलिए मैं चुपचाप जा रही थी। अंदर से मैं चाहती थी कि तुमने मुझे चुना होता, लेकिन मुझे पता है कि अपनी फैमिली को छोड़कर तुम मुझे कभी नहीं चुनते। मैं ज्वाइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ तो मैंने अपनी माँ को पूरी जिंदगी देखा है किसी और के घर में एडजस्ट होते, स्ट्रगल करते, इसीलिए मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जहाँ मेरी जिंदगी मेरी ना हो, मेरे फैसले कोई और ले। मिक्की टिन्नी से कहता है कि मेरा परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिन्नी उसे गिनवाने लगती है कि हम अकेले एक डिनर डेट पे भी नहीं जा पा रहे थे और एक साथ अकेले प्यार के दो पल भी नहीं बिता पा रहे थे। मिक्की कहता है कि मुझे पसंद है सबका साथ होना, मैं खुश होता हूँ जब सब साथ होते हैं, और मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने या तुमसे प्यार करने के लिए अकेले होने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा बच्चा बनने के लिए या जिम्मेदार बनने के लिए परिवार के साथ नहीं रहता, बल्कि मुझे पसंद है उनके साथ रहना। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहाँ बड़े बच्चों को स्पेस नहीं देते और उनकी पर्सनल लाइफ खत्म कर देते हैं, पर मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मैं जो प्यार तुम्हें दे पाता हूँ वो प्यार मुझे उन्हीं से मिलता है, और अगर मैं उन्हीं से
दूर हो जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या बचेगा। आज तक जितना प्यार मुझे मिला है उससे कई गुना प्यार तुम्हें मिलेगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो फिर उनका क्या, क्योंकि वो भी तो मुझे तुम्हारे साथ बांटेंगे ही ना। स्पेस तो उन्हें भी चाहिए ही रही होगी जब मैं छोटा था और उनकी जान खाता था। उन्होंने भी तो मेरे लिए सैक्रिफाइसेस किए ही होंगे, और हमारे साथ भी ऐसी ही चीजें होंगी जब हमारे बच्चे होंगे। तो तुम भी मुझे बांटोगी ही ना, क्योंकि तब तुम बच्चे पर ज्यादा ध्यान दोगी। तुम्हारे आने की खुशी और तुम्हें अपनाने की खुशी में मेरी फैमिली कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए शायद उन्होंने कुछ चीजें बोल दी या कर दी, पर जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना समझाने के बावजूद टिन्नी अपने ही ख्यालों और बात पर अड़ी होती है, और जो टिन्नी चाहती थी मिक्की वो कर नहीं सकता था। इसीलिए सारी सच्चाई बाहर आने के बाद भी उन दोनों को अलग होना ही पड़ता है। टिन्नी मिक्की की माँ को फोन करके कहती है कि आप ये कभी मत समझिएगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, बल्कि उसने जो भी किया मेरे लिए किया, और आप सबने जो किया उसके लिए शुक्रिया। मिक्की जब घर आता है तो माँ जिद पकड़ लेती है कि वो बताए कि आखिर उसने शादी क्यों तोड़ी। मिक्की पहले तो नहीं बता रहा होता, पर माँ उसे अपनी कसम खिला देती है। तो अब उसे बताना ही पड़ता है कि टिन्नी को मेरी फैमिली यानी कि आप लोगों से दिक्कत थी, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। माँ उससे कहती है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो और हम तुम्हें ऐसे दुखी तो नहीं देख पाएंगे, और हम उस दुख का कारण भी नहीं बनना चाहते। इसीलिए उसे रोको और हम सब उसे समझाएंगे कि वो छोड़कर ना जाए। अब सभी लोग फटाफट कार में बैठ जाते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में टिन्नी प्लेन पकड़ के लंदन रवाना होने वाली थी। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि परिवार में जितने लोग हैं उनमें से कौन है जिसकी वजह से टिन्नी को पूरी फैमिली से प्रॉब्लम है। अब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि तुमने ये किया था, उसने ये किया था, तो शायद इसीलिए वो नाराज हो गई। एक दूसरे से लड़ते भिड़ते ताने मारते सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और टिन्नी को ढूंढने लग जाते हैं। टिन्नी प्लेन के अंदर जाने ही वाली होती है कि पूरे परिवार द्वारा उसका नाम पुकारे जाने पर वो वहीं रुक जाती है। टिन्नी जब उनके पास आती है तो पूरा परिवार उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है कि हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें अपना लो और मत जाओ। मिक्की और टिन्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और बड़े एयरपोर्ट में बिना किसी की फिक्र के एक दूसरे के होंठों को एक दूसरे के करीब लाके एक दूसरे को महसूस करते हुए दोबारा से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब मिक्की और टिन्नी की शादी हो चुकी है और अब टिन्नी पूरे परिवार के साथ रहती है और बहुत खुश है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ तो था ही नहीं, और वो आराम से अपने हिसाब से पूरे परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी और खुशी खुशी नौकरी भी कर रही थी। मन्नू और किंची का नन्हा मेहमान अब इस दुनिया में कदम रख चुका था, और मन्नू के मन में जो डर था कि जितना प्यार किंची उसे करती है वो उसे नहीं दे पाएगा या इतना प्यार झेल नहीं पाएगा, वो सब खत्म हो चुका होता है, और अब वो भी घर गृहस्थी वाला खुशहाल इंसान बन चुका था। अब और समय बीतने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अब टिन्नी और मिक्की माता पिता बन चुके हैं और दोनों लोग और पूरा परिवार बहुत खुश है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और इसी खुशी के साथ मूवी यहीं पर